60 सेकंड में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स या टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें कॉलम्स पता लगाना है, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला टाइप करना है। पहले इक्वल टू टाइप करिए, उसके बाद सी ओ एल यू एम एन एस टाइप करिए, तो नीचे देखिए कॉलम्स का फॉर्मूला आ गया। इस पर डबल क्लिक करिए, उसके बाद वन टाइप करिए, सेमी कोलन लगाइए, फिर वन टाइप करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम है जो एक्सेल में होते हैं। अब रोज के लिए फिर से इक्वल टू टाइप करिए, आर ओ डब्ल्यू एस टाइप करिए, रोज का फॉर्मूला आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए। अब यहां पर हमें वो कॉलम टाइप करना है जिस कॉलम में फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि सी कॉलम में लग रहा है तो हम यहां पर सी टाइप करेंगे, उसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे, फिर सी टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहां पर आ गई। अब अगर हमें यह पता लगाना हो कितनी सेल हैं टोटल, ठीक है, सेल्स कितनी हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इक्वल टू टाइप किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहां पर एस्ट्रिक का सिंबल लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिया।